डहर उप तहसील के दिव्य मानव ज्योति सेवा संस्थान में 1,10,00,000 रुपए की राशि से निर्मित 4 मंजिला भवन बच्चों की सेवा में समर्पित किया गया। बड़े साधारण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भूतपूर्व सूबेदार मेजर भाग सिंह द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद सादे समारोह का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए समा बांधा गया और अंत में शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जिला कुल्लू की न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू में नंबर 1 पर रही है। नीट परीक्षा में एकेडमी के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन कर एकेडमी अध्यापक और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। एकेडमी में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्राध्यापक विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहां पर विभिन्न सुविधाओं से लैस क्लासरूम है। नीट के परीक्षा परिणाम में न्यूक्लियस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एकेडमी में अगले सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां पर वर्ष 2019 में 12 बच्चों में से 8 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो इस बार 20 बच्चों में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अंकों से परीक्षा पास की है। न्यूक्लियस एकेडमी के निर्देशक ने बताया है कि संस्था की समृति ठाकुर ने 590 अंक लेकर जिला में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने भी बेहतरीन अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में स्थान बनाया है। यहाँ पर JEE मेन्स, नीट, IIT, +1, +2 के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है। वहीं ड्रॉप बैचिंग की क्लासेस भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। संस्था के 12 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पक्का किया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।